बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत इमाम हुसैन की लाडली सूरत, 10 मुहर्रम तक जो पढ़ेगा वो करोड़पति बन जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाएगी उस घर का चपा चपा दौलत से बढ़ जाएगा मुहर्रम के दिनों में। हज़रत इमाम हुसैन ने यह सूरत पढ़ी, जिस घर में मुहर्रम के पहले 10 दिन ये सूरत पढ़ी जाएगी उस घर का कोना कोना अल्लाह की बरकतों से, रहमतों से और रिज़्क से भर जाएगा। तो जो शख्स ये चाहता हो कि पूरा साल वो परेशान ना हो, उसे कोई गम ना आए, कोई दुख ना पहुँचे, उसकी हर मुश्किल आसान हो, वो कभी बीमार ना हो, पूरा साल उसे गैब से रिज़्क मिले, रिज़्क के बंद दरवाजे अल्लाह पाक उसके लिए खोल दे, तो उस शख्स को चाहिए कि वह मुहर्रम के पहले 10 दिन इस सूरत को पढ़ने का एहतमाम करे। ये ताकतवर सूरत है कि जिसके बारे में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो शख्स भी ये सूरत पढ़ता है अल्लाह ताला उसे फितनों से महफूज फरमा देता है। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि जो बंदा भी ये सूरत पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे हमेशा की मोहताजी से महफूज फरमा लेते हैं, यानी उस पढ़ने वाले के घर से गुरबत का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। अगर वो मकरूज है तो कर्जे की अदायगी में उसे ये भी मदद मिलती है। अगर उसके बहुत ज़्यादा दुश्मन है तो अल्लाह दुश्मनों से उसकी हिफाजत फरमाते हैं, यानी ज़ालम से उसे हमेशा फतह मिलती है, कामयाबी मिलती है हमेशा। हज़रत इमाम हुसैन की तरह सूरत को पढ़ने वाले को हर मैदान में कामयाबी मिलती है। ये सूरत जब हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया था, आपका सर मुबारक नेज़े की नोक पर रखा था, तो उस वक्त आप ये सूरत तलावत फरमा रहे थे। कुरान की ये सूरत जो है सूरह काफ है, आप सब जानते हैं कि सूरह काफ वो सूरत है जिसको जुमा के दिन पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। जो इस सूरत को पढ़ते हैं वो दज्जाल के फितने से, जो कि सबसे बड़ा फितना है, इससे अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन ने मुहर्रम के महीने में सूरत की तलावत फरमाई। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जो मुहर्रम के महीने में ये सूरत पढ़ेगा पहले 10 दिन, तो पूरा साल अल्लाह उसे परेशानियों से, आफतों से अपनी हिफाजत में रखेगा, उसे गैब से रिस्क देगा, इतना रिस्क देगा कि आने वाली 7 नस्लों तक ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आप भी मुहर्रम के पहले 10 दिन सूरह काफ जो है इसको कम से कम एक बार रोज़ाना इसकी तलावत लाजमी करें। अगर आप पहले 10 दिन तक नहीं पढ़ सकते तो 9-10 मुहर्रम के दिन इसको लाजमी पढ़ें। इंशाल्लाह पूरा साल आपका अल्लाह की हिफाजत में गुजरेगा, रिस्क दौलत बांटते हुए गुजरेगा इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जज़ाकअल्लाह।